आपका इस ब्लॉगिंग से लास्ट मंथ कितना इनकम हुआ था? अभी अभी जो जस्ट अभी 21 तारीख को पेमेंट रिलीज हुई, कितने का हुआ? 7,15,000 अराउंड, मतलब 8 अकाउंट में आ चुका है। हां अकाउंट में आ गया। तो अकाउंट वाला भी दिखाएंगे क्या, बैंक वाला? बताइए, दिखाई देता है अगर लोगों को तो एक लगता है कि हम लोग चलो एडसेंस का दिखाते हैं तो भाई अकाउंट में भी आता है क्या? कई लोग जैसे बोलते थे, आप पहले तो उसमें दिखा दीजिए डैशबोर्ड में लास्ट मंथ का। मैं आपको अपना एडसेंस दिखा देता हूं जो आया है। ये कुछ $8,700 लेकिन आप एडेक्स में आता है ना पैसा? नहीं नहीं, एडेक्स पे बनता है। अच्छा, और लेकिन एडसेंस के बैलेंस में बस दिखेगा ये, हमें आपको एडेक्स पे दिखा देता हूं। एडेक्स का दिखा दीजिए भाई, लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो एडेक्स का हम देख रहे हैं लास्ट मंथ का, जनवरी का। तो ये कुछ 8,69,000 होता है। हाँ। और इस पे 15% जो बीच में है, जो मिडिल मैन है उनको जाता है। एडेक्स के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल मैन होते हैं, एक बीच में एजेंसी होती है जिसके थ्रू हमें एडेक्स मिलता है, तो 15% उनका फीस है। इसमें से 15% माइनस कर देते हैं तो आपको कितना आया अकाउंट में? ये देखिए, मतलब $8,700 है, 7 लाख कुछ बनेगा। ये देखिए, ये आपको है कल का मैसेज है, 7,15,000। 7,15,000, क्या बात है भाई। हेलो गाइज, आई होप आप तमाम दोस्तों ने सतीश भाई का ये वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर एक पर्सन जो उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा है दिखा रहा है कि विदाउट एसईओ के मैंने इतने हजारों डॉलर जनरेट किए हैं, और लाइव पेमेंट प्रूफ भी दिखा रहा है कि इतना पैसा मुझे बैंक में रिसीव हुआ, और वो भी डिटेल में बता रहा है कि वो क्या काम करता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इस पर्सन को कैसे जानता हूं ये तो मैं आगे चल के आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा। अगर सतीश ये वीडियो आप तक पहुंच गया तो लाजमी से वीडियो को आखिर तक देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनने जा रही है। और सतीश की ऑडियंस अगर ये वीडियो को वॉच कर रही है तो उनके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट उनको होगा इस वीडियो से। तो सबसे पहली बात ये बताता हूँ कि सतीश भाई की जिस यूजर ने ये वीडियो देखी है, उन्होंने एक बात की है कि एडीएक्स जो है वो बड़े यूजर्स के लिए हैं, और जिसका अच्छा खासा विजिटर आ रहा है वो एडीएक्स को यूज कर सकता है। एंड इसके अंदर एक भी दरमियान का पर्सन रहता है, उसके थ्रू आपको एडीएक्स मिलता है। वो दरमियान का पर्सन कौन होता है, कैसे हम एडीएक्स को ले सकते हैं, ये चीजें थोड़ी डिटेल में आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सतीश की वीडियो जिसने पूरी कंप्लीट देखी है, उन्होंने एक बात की थी कि एडीएक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो छोटा पब्लिशर होता है उसके लिए वो नहीं बना। तो बिल्कुल ठीक बात की आपने, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, और कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन सारी की सारी हमारे माइंड में होती है जब तक हम उस चीज को सीख नहीं लेते। जब हम उस चीज को सीख के एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं, वो तमाम चीजें आसान रखने लग जाती हैं। और एडीएक्स के बारे में सतीश भाई, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हम आपको गाइड करेंगे। आज से कुछ टाइम पहले जब एडीएक्स की मार्केट ही नहीं थी, एडीएक्स के बारे में किसी को पता नहीं था, तो आपके भाई ने पूरी मार्केट के अंदर बताया था कि एडीएक्स क्या होता है क्या नहीं होता, और डिटेल में बताया था कि भाई फर्स्ट टाइम पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में, और अगर किसी पर्सन ने एडीएक्स की इन्फॉर्मेशन दी थी तो वो सेनेटर, वही रन एड्स के नाम से एक यूजर था, उसकी वक्त पूरी मार्केट में, और वो भी इंग्लिश में गाइड करता था, और वो भी सिंपल सिंपल, कोई यानी आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करके नहीं। तो मैंने आप तमाम दोस्तों के लिए उस वक्त एक कोर्स बनाया था, जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया था आप किस तरह से एड टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, एड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, और एडीएक्स किस तरह से क्रिएट करने के बाद उसको रन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप तमाम दोस्त जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, और प्रॉपर कोर्स है हिंदी में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं है। दूसरी चीज यह है कि ये पर्सन क्या काम कर रहा है, मैं इनको किस तरह से जानता हूं, तो शायद आज से कुछ नहीं पहले आप तमाम दोस्तों ने देखा होगा, वो ज्यादा बातें कि YouTube हमें कोई वायरल नहीं करता या प्रमोट नहीं करता, लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप खुद उसकी वैल्यू को समझते हैं। और उसके बाद आ जाती बात ये कि ये पर्सन के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, इतने पर्सन ने मुझसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो, इतने लाखों डॉलर्स आपने कैसे जनरेट किया, और मैंने तकरीबन बताया भी था और लाइव दिखाया भी था, इनके पॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं, हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लोगों ने जनरेट किया है और सिंगल सिंगल पे आउट लिया है। मैंने फिर बता रहा हूँ कि वो ज्यादा बात है कि YouTube हमें प्रमोट नहीं करता। तो ये चीज मैंने जो है इनको बताई थी, लाइव दिखाई भी थी, आप इनके पॉडकास्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, सौरभ ब्लॉगिंग स्पॉट इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। और जिस यूजर को एडीएक्स के बारे में कख भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है एडीएक्स क्या होता है, तो वो मेरी इस वीडियो को जाकर देख ले, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप एडीएक्स को रन कर सकते हैं और किस तरह नहीं। और सतीश भाई, अगर आपको एडीएक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और एडीएक्स आपको अप्रूवल चाहिए, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक रुपए का चार्जेस नहीं लगेगा, आप जब हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे मैं आपको बिल्कुल दिलवा दूंगा, दे दूंगा, और खुद की कंपनीज हम रन करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एडीएक्स के बारे में अगर आपको मजीद कुछ जानना है, एक्सप्लोर करना है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, तो भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो उनकी ऑडियंस भी आती है हमारे पास और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस लेने जाती है, कुछ भी लेना चाहती है, मतलब कि एडीएक्स के बारे में पूछना चाहती है, तो वो भी डिटेल में बताऊंगा। अब ये पर्सन काम क्या कर रहे थे वो भी बताता हूँ। हम ये पर्सन काम ये कर रहे हैं आर्बिट्राज का, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आर्बिट्राज के हजारों वीडियोस पड़ी हैं। आर्बिट्राज में मैं सिंपल सी एक लॉजिकल की बात करूंगा कि आप अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानते हैं, कि थोड़ा सा पैसा लगा के कुछ निकालना जानते हो, तो ये ही होता है आर्बिट्राज, जिसके अंदर आप गूगल के एड्स रन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर और पेड ट्रैफिक लेके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो यही चीज है। वो चाहे आप रील्स के थ्रू जनरेट करो, चाहे एड्स के थ्रू जनरेट करो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विजिटर को अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करो, उसको आप आर्बिट्राज
कहेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिकली तरीके से करें चाहे इनऑर्गेनिकली तरीके से करें, तो वो आर्बिट्राज में आएगा। और एडसेंस आर्बिट्राज, एडिक्स आर्बिट्राज के बारे में मैंने तमाम चीजें अपने कोर्सेज में भी बताई हैं और यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल में बताई हैं, आप आके देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आज के दौर में पूरी इंडिया की मार्केट ही एडीएक्स की तरफ शिफ्ट होने जा रही है। कोई यूजर, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई सादा सा यूजर भी है तो वो कहता है कि हमारी एडीएक्स के ऊपर एड लिमिट आ गया। जब उसने काम शुरू किया तो वो क्या करता है कि लाइक उसकी वेबसाइट के ऊपर 100 के या 10 के या 20 के विजिटर आया एडसेंस के ऊपर, तो वो फॉरन से एडसेंस स्टार्टिंग में ही एड लिमिट लगा देते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट क्लोज हो जाए। जबकि एडीएक्स को जब यूज करते हो तो एडीएक्स के अंदर ये सिस्टम नहीं होता, वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी ना तो कोई एड लिमिट आती है ना ही कोई वायलेशन होती है, उल्टा वहां पे आपको ज्यादा फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और लोकल यूजर भी उसको यूज कर सकता है जिससे वो बेनिफिट उठा सकता है। थर्ड चीज आ जाती है ये कि ADX जो छोटे यूजर भी यूज कर सकते हैं, बड़े जरूरी नहीं है कि आपके कोई मिलियंस में ट्रैफिक हो तो तभी वहां पे जाओ। अगर आपकी 10,000 का भी विजिटर आ रहा पर मंथ तो तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आपके अकाउंट के ऊपर एड लिमिट नहीं आता, आपको एडसेंस से ज्यादा रेवेन्यू वहां पे मिलता है और जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपके साथ मेंशन है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। होता ही इसमें देखो ये होते पेड हैं, इनके पेरेंट अकाउंट और एक्सपेंसिव होते हैं। आप इसके बारे में जब एक तो रीड करेंगे, पूछेंगे तो आपको तमाम चीजें बिल्कुल वहां पे गाइड की जाएंगी और वन टू वन गाइड की जाएंगी। और थर्ड चीज ये है कि जो मेरा पेड कोर्स था, जो कि खुद का मेरा पेड कोर्स था जिसके अंदर मैंने तमाम डिटेल्स दी हैं, सभी यूजर को बताया है कि एडीएक्स के ऊपर आर्बिट्राज किस तरह से किया जाता है और कितने ज्यादा एड नेटवर्क उसके अंदर बताए हैं कि पेड ट्रैफिक को किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, जो कि मेरा पेड कोर्स है जिसके अंदर मैंने तमाम यूजर को ये चीज बताई है और वहां पर समझाई भी है, वहां पे इन डेप्थ ये तमाम चीजें बताई हैं। ये नहीं है कि पेड कोर्स और फ्री कोर्स में कोई फर्क नहीं है, वहां पे थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पेड कोर्स में ये होता है कि वहां पे थोड़ी सी वैल्यू एडिशनल जो चीजें मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी स्ट्राइक्स आ गई हैं, तो इस वजह से वो कोर्स बना के आप तमाम दोस्तों को दिया गया है। हाँ, कोई यूजर वहां पे भी आके एनरोल होना चाहता है तो वहां पे भी ये है कि कोई सतीश की ऑडियंस वहां पे आना चाहती है तो वो भी आ सकती है। जो यूजर उसको अफोर्ड कर सकता है तो हम वो बेशक बाय करें, और जो यूजर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वीडियो दी गई हैं। और दूसरा, यहाँ पे मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ एक चीज की आप तमाम दोस्तों को बताने ही आया हूँ कि मैं कोई कोर्स प्रीफर नहीं करता, लेकिन ये चीज है कि अगर आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब के ऊपर और वो आप सीखते हैं और आप समझते हैं कि मुझे और एडिशनल चीजों की नीड है, तो देन आप कोर्स की तरफ जाएं। दोस्तों, यहाँ पे बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए एडीएक्स से कमा लिए हैं, लेकिन मेरा सवाल तुमसे है, क्या तुम लोग इनकी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही देखते रहोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने अभी हजारों रुपए एडसेंस से भी कमाए होंगे, एडीएक्स तो दूर की बात। और अगर तुम वाकई ही चाहते हो, और ये मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, अगर तुम लोग इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज ही देखते रहोगे और मोटिवेट होकर जब तक चीजों को एग्जीक्यूट करके काम नहीं करोगे तो तब तक आप कामयाब नहीं होगे। आप कामयाबी का हमेशा राज यही है कि आप लोगों को पहला कदम जरूर लेना है, और जब तक आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं होगे कभी भी कामयाब नहीं होगे। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे तो आप आखिर तक जरूर पहुंच जाओगे कभी ना कभी, लेकिन आपने कभी भी होप को लूज नहीं करना, आपने कभी अपनी मोटिवेशन को लूज नहीं करना। जिस तरह आप मोटिवेट होते हो उस तरह से आप काम भी किया करो, और आप भी इनकी तरह लाखों और करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं बाकायदा तौर पर मैं आपको खुद गाइड करूं, मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी एडीएक्स की मार्केट पूरी इंडिया में अभी तक कहीं पे भी नहीं है, बहुत लिमिटेड यूजर्स को एडीएक्स के बारे में पता है और एडसेंस के बारे में। तो जो यूजर इसके बारे में सीखना चाहते हैं बेशक मुझसे कॉन्टैक्ट ना भी करो तो व्हाट्सएप के ऊपर, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन वहां पर देखें जिनसे आप तमाम दोस्तों ने बेनिफिट उठाना है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो बाकी ये है कि मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।